हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपने एसब्लॉक एलिमेंट को फिनिश किया था। इस वीडियो के अंदर हम सबसे इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट यूनिट लेकर आए हैं बेटा, आपकी यूनिट नंबर 12, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम प्रिंसिपल एंड टेक्निक। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने काफी बार पढ़ी होगी, 9th क्लास में 10th क्लास में इवन 8th क्लास के अंदर भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। बेटा यहाँ पर जो आपकी केमिस्ट्री वो तीन फील्ड के अंदर फैली हुई है बेटा। सबसे पहला जो फील्ड है आपका वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, फिर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है बेटा, और फिर कौन सी आती है आपकी, फिजिकल केमिस्ट्री आती है बेटा। तो आज हम स्टार्ट करने जाएंगे बेटा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि आपकी केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 3, जिसका नाम क्या रहेगा बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये आपकी यूनिट नंबर कौन सी है बेटा, 12। चलो स्टार्ट करते बेटा। सबसे पहले हम बात करते बेटा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें ये कंफर्म होना चाहिए बेटा कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले हमें किसकी नॉलेज होनी जरूरी है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की नॉलेज होनी जरूरी है बेटा। हम किन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बुलाते हैं बेटा, तो ये डेफिनेशन तो आप अपने 11th क्लास के फर्स्ट यूनिट के अंदर ही पढ़ चुके बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कि द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन। वो कंपाउंड जो किससे मिलकर बने होते हैं बेटा, कार्बन से मिलकर बने होते हैं, मेड अप ऑफ कार्बन, जो किससे मिलकर बने होते हैं बेटा, कार्बन से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और बेटा केमिस्ट्री की जो ब्रांच, ध्यान से सुनिएगा, केमिस्ट्री की जो ब्रांच इन कार्बन कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन देती है बेटा, इन कार्बन कंपाउंड की एक्सप्लेनेशन देती है बेटा, वो ब्रांच आपकी क्या बन जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन जाती है बेटा। क्या बन जाती है बेटा, वो ब्रांच आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन जाती है बेटा। क्लियर है? कोई आपसे पूछे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो आप सीधा बोल दो बेटा द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन। जो कंपाउंड अपने अंदर क्या रखते हैं, कार्बन रखते हैं, क्या कहलाएंगे बेटा, वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो इन कार्बन कंपाउंड का अध्ययन करवाती है बेटा, इन कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाती है, वो ब्रांच आपकी क्या बन जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन जाएगी। क्लियर हो बेटा, यहाँ तक दो चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होते हैं बेटा। अब देखो बेटा, जो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। हमने बोला बेटा द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बोला बेटा, हमने सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो कंपाउंड जो सबसे ज्यादा सिंपल फॉर्म में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा नॉर्मल सिंपलेस्ट साधारण रूप में जो पाया जाता है बेटा, उस कंपाउंड को हमने क्या बोला है बेटा, उस कंपाउंड को हमने बोला है हाइड्रोकार्बन। क्या बोला बेटा उसे, हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि ये जो कंपाउंड है ना बेटा, ये किससे मिलकर बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है बेटा, हाइड्रोकार्बन रखा है। तो एक बात और दिमाग में डाल लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड कौन सा होता है, तो आप बोलोगे सर हाइड्रोकार्बन इज द सिंपलेस्ट कंपाउंड ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा सिंपल कंपाउंड कौन सा होता है बेटा, वो आपका हाइड्रोकार्बन होता है। अच्छा एक बात और सुनना बेटा, जो आपका हाइड्रोकार्बन होता है ना, इट इज द पेरेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक, इट इज द पेरेंट्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने क्या बोला बेटा, जो आपका हाइड्रोकार्बन होता है ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है बेटा, पेरेंट्स होता है।
अब आप बोलोगे सर क्यों, वजह क्या है? ये जो आपका हाइड्रोकार्बन है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है, पेरेंट्स होता है, तो इसका कारण क्या है? तो ध्यान से सुनो बेटा, इसका कारण क्या है? इसने बोला बेटा कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ड्राइव फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाई रिप्लेसिंग बाई रिप्लेस बाई इट्स वन और मोर हाइड्रोजन। हमने बोल दिया कि जो आपका हाइड्रोकार्बन है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या कहलाता है, पेरेंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही आपका पेरेंट्स कहलाता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से बनाए जाते हैं बेटा? आपके हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं बेटा? आपके हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। कोई कहता है सर क्यों? क्योंकि बेटा हाइड्रोकार्बन के अंदर एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ही हम इन कंपाउंडों को क्या करते हैं, ड्राइव करवाते हैं, बनाते हैं। इसलिए हम हाइड्रोकार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या बुलाते हैं बेटा, पेरेंट्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का पेरेंट्स बुलाते हैं। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आई है? नहीं, ये बताओ बेटा पहले तो क्या क्या पढ़ा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, उसके बाद हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन के ऊपर पढ़ाया बेटा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बिल्कुल सबसे सरलतम ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बेटा, आपका हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन को क्या बुलाते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का पेरेंट्स बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं बेटा जो हाइड्रोकार्बन से ही क्या किए जाते हैं, ड्राइव किए जाते हैं। ड्राइव करने मतलब बनाए जाते हैं। क्या कैसे बनाए जाते हैं? हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को क्या करवा के बेटा, रिप्लेस करवा के। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एल्कोहल बनाना है, क्या बनाना है? एल्कोहल। मान लो मैंने एल्कोहल का नाम ही बोल दिया, मैंने क्या बनाना है भाई, इथेनॉल बनाना है। क्या बनाना है बेटा? इथेनॉल बनाना है। ये तो सबको पता है बेटा, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, ये सबको पता है बेटा। इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, C2H5OH होता है, क्योंकि आपने 10th क्लास के अंदर इथेनॉल के बारे में काफी पढ़ा होगा बेटा। ये तो सबको कंफर्म हो गया बेटा, जो आपका इथेनॉल है उसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये फॉर्मूला बना कैसे है? ये फॉर्मूला बना बेटा आपके इथेन से, किससे मिलकर बना बेटा? ये फॉर्मूला आपके इथेन से मिलकर बना है। अब इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है C2H6। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C2H6। अब हमने क्या किया बेटा, हमने यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दिया। तो जब एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो यहां पर हाइड्रोजन कितने बच गए, 5। क्लियर है? और जो हाइड्रोजन हटाया ना बेटा, उसके स्थान पर हमने किसको लगा दिया, OH ग्रुप को लगा दिया। तो क्या बन गया बेटा, ये आपका इथेनॉल बन गया या नहीं बन गया बेटा? क्लियर है? तो आप खुद बताओ बेटा कि जो आपका इथेनॉल था वो कहां से आया, आपके इथेन से आया। और इथेन कौन बेटा, आपका हाइड्रोकार्बन है। इथेन कौन बेटा, आपका हाइड्रोकार्बन है। इसलिए हमने क्या बोला है बेटा, हमने बोला है कि बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंडों के लिए आपका हाइड्रोकार्बन किसका काम करेगा बेटा, पेरेंट्स का काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके अंदर बहुत से ऐसे कंपाउंड बनते हैं बेटा जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाने से उनका डेरिवेटिव बन जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेटा। देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा, अब यहां से दो बातों दिमाग में डालना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले बात तो ये दिमाग में डालो, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इस यूनिट के अंदर पूरा खेल इसी कंपाउंड पर टिका हुआ है बेटा कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। तो दो शब्द बेटा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब क्या है, कार्बन। क्या इस पूरे अक्षर के अंदर, इस पूरे नाम के अंदर हाइड्रो और कार्बन के अलावा और कोई तीसरा नाम छिपा हुआ है बेटा? नहीं छिपा है तो आप क्या बोलोगे कि द कंपाउंड The compounds which are made up of carbon and
नाइट्रोजन ओनली. द कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, वो कंपाउंड जो केवल और सिर्फ केवल किससे मिलकर बने बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने, क्या कहेंगे बेटा वो आपके हाइड्रोकार्बन कहेंगे. क्या कहेंगे बेटा वो आपके हाइड्रोकार्बन कहेंगे. और बेटा अभी अभी हमने बताया कि हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा, इट इज द सिंपलेस्ट कंपाउंड, सिंपलेस्ट कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड कौन सा होता है बेटा, आपका हाइड्रोकार्बन होता है. कौन सा होता है सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड आपका कौन सा होता है बेटा, आपका हाइड्रोकार्बन होता है. क्लियर बेटा. तो अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. और हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे बेटा, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे. हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे बेटा. अपना टॉपिक स्टार्ट होता है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. टॉपिक है बेटा अपना क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. हमें क्या करना है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है बेटा, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जनरली कितने भागों के अंदर क्या कर सकते हैं बेटा, क्लासिफाई कर सकते हैं. तो इसलिए बोला बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरी. कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा, इसे दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं. कौन कौन से है बेटा आपकी दो कैटेगरी. पहली कैटेगरी है बेटा आपकी ओपन चेन, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड. पहली कैटेगरी जिसका नाम क्या है बेटा, ओपन चेन, या फिर हम इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड. और दूसरी जो कैटेगरी आती है बेटा वो आती है आपकी क्लोज्ड चेन और रिंग और साइक्लिक कंपाउंड. यानी कि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को जनरली कितने भागों में क्लासिफाई कर दिया. हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को जनरली दो भागों में क्लासिफाई किया बेटा. कौन कौन से बने बेटा दो भाग आपके, एक तो बनाया बेटा आपका ओपन चेन का और दूसरा बनाया बेटा आपका क्लोज चेन का. एक तो किसका बनाया बेटा, ओपन चेन का बनाया, और दूसरा किसका बनाया बेटा आपका, क्लोज चेन का बनाया. तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कि ओपन चेन और क्लोज चेन होती क्या है बेटा, किन कंपाउंड को हम साइक्लिक और किन कंपाउंड को हम एसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे बेटा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा ओपन चेन की. तो इसने बोला बेटा कि ओपन चेन आर दीज आर दोज कंपाउंड व्हिच कंटेन द ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम. यानी कि अगर मैं ओपन चेन कंपाउंड के बारे में बोलना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, कि दीज आर those compounds which have open chain of carbon, these are those compounds which contain open chain of carbon atom in their molecule, in their बेटा ध्यान से सुनना, हमने किसके ऊपर डिस्कस किया है, हमने एसाइक्लिक कंपाउंड के ऊपर डिस्कस किया है, यानी कि ओपन चेन के ऊपर हमने क्या किया है, डिस्कस किया है. अब कोई कहता है सर ओपन चेन या साइक्लिक एसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो हमने बोला बेटा कि हम उन कंपाउंड को ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे जिन कंपाउंड के अंदर कार्बन एटम की जो चेन है ना, कार्बन एटम की जो चेन है वो कैसी पाई जाएगी बेटा, खुली हुई पाई जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन चेन कंपाउंड बोलेंगे. क्या बोलेंगे, ओपन चेन कंपाउंड बोलेंगे. मान लो बेटा अगर मैं आपसे बोलता हूं तो भाई आप एक बात बताओ, ब्यूटेन का फॉर्मूला बताओ, तो आप बोलोगे सर CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया बेटा आपका
ब्यूटेन, मैं बोलता हूँ हेप्टेन का फॉर्मूला बताओ, तो आप बोलते हो सर सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू और सी एच थ्री। क्लियर बेटा? तो ये कौन बेटा, ये बेटा आपका ब्यूटेन, ये कौन बेटा आपका हेप्टेन। अगर मैं आपसे बोलता हूं प्रोपाइन का फॉर्मूला बताओ बेटा, तो आप बोलते हो सर सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये आपका प्रोपाइन हो गया। तो बेटा इन जो हमने एग्जांपल लिखे हैं, इन एग्जांपल की हेल्प से आप क्या समझ पा रहे हो, इस एग्जांपल की हेल्प से आप एक बात समझ पा रहे हो कि यहाँ पर जो आपके कार्बन एटम है बेटा, वो हर तरफ से कैसे हैं, खुले हुए कार्बन एटम है बेटा। यानी कि जब इनकी एंड, देखो हर चेन के दो ही एंड होंगे बेटा, ये एंड जब दोनों एंड फ्री हो ना बेटा, किसी भी प्रकार से ये एंड आपस में जुड़े हुए ना हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ओपन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा उसे, हम ओपन बोलते हैं। और बेटा इनका दूसरा नाम होता है, इसको हम बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ओपन चेन के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इन्हें बेटा, एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इन्हें, हम एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं। दोबारा से याद रह जाएगा बेटा, ये किसके नाम से जाने जाते हैं बेटा, एलिफेटिक कंपाउंड के नाम से जाने जाते हैं। कोई कहता है सर इनको एलिफेटिक क्यों बोलते हैं भाई, इन कंपाउंड को हम एलिफेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा स्टार्टिंग के अंदर ये जो कंपाउंड हमें ऑब्टेन हुए ना, ये या तो वेजिटेबल ऑयल से ऑब्टेन हुए थे या एनिमल फैट से ऑब्टेन हुए थे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इन्हें, हम एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं। कोई पूछे कि भाई जा एसाइक्लिक कंपाउंड आर नोन एज एलिफेटिक कंपाउंड, कि भाई एसाइक्लिक कंपाउंड को एलिफेटिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है, तो इसका कारण क्या है, तो आप बोलोगे बिकॉज दीज कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल और वेजिटेबल फैट। क्योंकि स्टार्टिंग में ये जो कंपाउंड हमें ऑब्टेन हुए थे बेटा, ये कहां से ऑब्टेन हुए थे, वेजिटेबल या एनिमल फैट से ऑब्टेन हुए थे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं बेटा। क्लियर है? तो ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड कौन से होंगे, वो कंपाउंड होंगे जिनके अंदर कैसी चेन पाई जाती है, कार्बन एटम की ओपन चेन पाई जाती है बेटा, जिनके अंदर कार्बन एटम की कैसी चेन पाई जाती है बेटा, ओपन चेन पाई जाती है, उन कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे बेटा, एलिफेटिक या ओपन चेन कंपाउंड बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे उनको हम, एलिफेटिक या ओपन चेन कंपाउंड बोलेंगे। अब बात करते हैं क्लोज चेन। देखो बेटा सेकंड कैटेगरी क्लोज चेन, इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, साइक्लिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो देखो क्लोज चेन, रिंग चेन, साइक्लिक कंपाउंड, ये सब कुछ एक ही बात बेटा, तीनों के एक ही नाम। क्लियर? तो किन कंपाउंड को हम ओपन है क्लोज चेन बोलेंगे बेटा, जिनके अंदर कार्बन कंपाउंड, या बोल सकते हो बेटा दीज आर दोज कंपाउंड विच कंटेन क्लोज चेन ऑफ एटम इन देयर मॉलिक्यूल, दीज आर दोज कंपाउंड which contain closed chain of atom in their molecule। बेटा आपके पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है, एटम से। और अगर आपकी वो एटम किसके अंदर बेटा, क्लोज स्ट्रक्चर में, किसमें बेटा, वो क्लोज चेन में, क्लोज स्ट्रक्चर में, तो वो कंपाउंड आपके कौन से कंपाउंड कहलाए जाएंगे बेटा, रिंग साइक्लिक, या आप क्या बोल रहे बेटा उसे, आप क्लोज चेन कंपाउंड बोल रहे बेटा। क्लियर है डेफिनेशन? जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं अभी, देखो बेटा सपोज करो कि हमने यहां पे लिखा बेटा तीन कार्बन का कंपाउंड लिखा, हमने यहां पे लिखा CH2। अब एक बात बताओ बेटा, क्या यहाँ पर कोई भी कार्बन फ्री है, सारे के सारे कार्बन किसके अंदर बंध गए बेटा, एक दूसरे के साथ बंध गए,
कोई भी कार्बन कोई भी एंड इसका कैपिटल एटम नहीं है, किसके रूप में आ गए, एक रिंग रूप में आ गए, एक सर्कल के रूप में आ गए, एक साइक्लिक चेन के अंदर आ गए, तो इन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लोज चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज चेन, क्योंकि वो चेन जो हर प्रकार से क्या हो बेटा, क्लोज हो, किसी भी साइड से बाहर जाने का रास्ता यहाँ पर अवेलेबल नहीं है बेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लोज चेन बोलते हैं। जैसे हमने ये लिखा बेटा यहाँ पे क्लोज चेन में पाए जाए, उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिंग कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, या फिर उनको क्या बोलते हैं बेटा, क्लोज चेन कंपाउंड बोलते हैं बेटा। अब ध्यान से सुनना बेटा, जो आपके क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं ना, ये जनरली तीन प्रकार के होते हैं। जो आपके क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा, जनरली तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, तीन प्रकार के होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं बेटा ये आपके एक तो होते बेटा किसके नाम से, ये एलिसाइक्लिक के नाम से, दूसरे होते बेटा ये एरोमेटिक नाम से, और तीसरे होते बेटा ये हेट्रोसाइक्लिक के नाम से। ध्यान से सुनो बेटा, हमने क्या बोला है, हमने बोला बेटा ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बेटा आपके अलिसाइक्लिक, एक होते हैं आपके एरोमेटिक, और एक कौन से होते हैं बेटा आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सबसे पहले हम बात करते हैं अलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, अलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं बेटा, कि किन कंपाउंड को हम अलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं बेटा। तो देखिएगा बेटा, इसने बोला है दीज आर दोज कंपाउंड विच कंटेन ए क्लोज रिंग ऑफ कार्बन एटम। ध्यान से सुनना, अलीसाइक्लिक कंपाउंड कौन से बोले बेटा हमने, अलीसाइक्लिक, अली का मतलब क्या होता है, एलिफैटिक, अली का मतलब क्या होता है आपका, एलिफैटिक पढ़ा था उधर उधर पहले, एलिफैटिक। तो एलिफैटिक में आपकी यही तो थे बेटा, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, लेकिन अब वो किस में आ चुके हैं बेटा, वो आपके किस में आ चुके हैं, सर्कल में आ चुके हैं, साइक्लिक में आ चुके हैं, इसलिए इसका हम क्या बोले बेटा, अलीसाइक्लिक। तो ब्यूटेन, प्रोपेन ये सब किसके बने होते हैं, कार्बन कंपाउंड ही है, तो हम अलीसाइक्लिक क्या बोल देते हैं बेटा, ये वो कंपाउंड होते हैं जिन कंपाउंड के अंदर आपके कार्बन एटम, ये वो कंपाउंड होते हैं जिन कंपाउंड के अंदर आपके कार्बन एटम किस में पाए जाते हैं बेटा, क्लोज रिंग में पाए जाते हैं, क्लोज चेन में पाए जाते हैं बेटा, उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, अलीसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। दोबारा से सुनो बेटा क्या बोला हमने, अलीसाइक्लिक कंपाउंड हमने बोला है कि ये वो कंपाउंड होते हैं जिन कंपाउंड के अंदर उनके कार्बन एटम किस में पाए जाते हैं, क्लोज चेन में पाए जाते हैं, कौन से कंपाउंड कहलाते हैं आपके, अलीसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। और हाँ एक बात और, जो आपके अलीसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं बेटा, इनकी प्रॉपर्टी, अलीसाइक्लिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी आपके ओपन चेन कंपाउंड की प्रॉपर्टी के साथ क्या करती है, रिजेंबल करके मैच करती है बेटा, क्लियर है। तो अलीसाइक्लिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी ओपन चेन कंपाउंड के साथ क्या करती है बेटा, मैच करती है, क्लियर है। दूसरी बात करते हैं बेटा एरोमेटिक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, एरोमेटिक वो होते हैं बेटा जिनके अंदर विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग बेटा, ये शब्द इंपॉर्टेंट आ गया अब आपके लिए, कि वो कंपाउंड जो अपने अंदर कम से कम एक, एटलीस्ट वन, कम से कम एक क्या रखे, बेंजीन की रिंग रखे, वो कंपाउंड आपका कौन सा कंपाउंड कहलाएगा बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, कौन सा कंपाउंड कहलाएगा बेटा, वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। बात होती है बेंजीन रिंग क्या होती है, तो बेटा बेंजीन रिंग 6 कार्बन की रिंग होती है जिसके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। दोबारा से सुनना, बेंजीन रिंग क्या होती है बेटा, इट इज ए रिंग ऑफ 6 कार्बन इन विच अल्टरनेट डबल बॉन्ड इज
परसेंट बेटा ये आपकी क्या कहलाती है, बेंजीन रिंग कहलाती है। बेंजीन रिंग 6 कार्बन की रिंग होती है बेटा, जिसके अंदर आपके डबल बॉन्ड अल्टरनेट कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं। अब मान लो आपका यहाँ पर क्या लग गया बेटा, CH3 लग गया। मान लो बेंजीन के ऊपर क्या लग गया बेटा, आपका CH3 लग गया बेटा। तो ये क्या है, ये आपकी बेंजीन है, कहते हैं ये बेंजीन है, और ऊपर आपका कोई ग्रुप लगा हो या ना लगा हो, इसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक का कंपाउंड बोलते हैं। उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इसको हम बोलते बेटा मिथाइल बेंजीन, जिसका कॉमन नेम होता है बेटा टोलिन। क्या नाम होता है इसका, कॉमन टोलिन होता है। आगे चलकर हम इन के ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा, क्लियर है। जैसे हमने ये लिखा बेटा, ये हो गया आपकी बेंजीन। बेंजीन को बेटा ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी दिखा दो चाहे ऐसे दिखा दो, रहेगी आपकी बेंजीन ही। फुल डिस्कस करेंगे बेटा इस यूनिट के अंदर बेंजीन को लेकर। हमने यहां पे लिखा CH2 CH2 CH3, तो ये कंपाउंड भी आपका क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, ये कंपाउंड भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। यानी कि जहां पर आपको ये नजर आ जाए ना, उसको आप क्या बोलोगे कि एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या बेटा, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा एक बात और सुनना बेटा, लास्ट और फाइनल बात करते हैं हेटरोसाइक्लिक पर। अब देखो बेटा हेटरोसाइक्लिक में क्या कुछ बोला गया है बेटा, बेटा हेटरोसाइक्लिक में इसने बोला है कि भाई एक ऐसी रिंग होती है बेटा, एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर एक या एक से अधिक कार्बन, एक या एक से अधिक एटम प्रेजेंट होते हैं। किसके एडिशन ऑफ कार्बन एटम, किसके स्थान पर, कार्बन एटम के स्थान पर। जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में बोला था कि द कंपाउंड विच हैव अदर एटम इंस्टेड ऑफ अदर एटम, द कंपाउंड विच कंटेन, ये कर लो, विच कंटेन अदर एटम इंस्टेड ऑफ कार्बन एटम। भाई ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन एटम के अलावा कोई और एटम भी प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हेटरोसाइक्लिक बोलते हैं। जैसे हमने बेटा अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि भाई मान लो हमने यहाँ पे लिखा बेटा CH2 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 CH2, ये आपका क्या था, केवल और सिर्फ केवल कार्बन से मिलकर बना हुआ है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा कि CH2 CH2 CH2, और ये बॉन्ड खत्म करके CH2 यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना दूं मैं इनका, तो आप एक बार देखो बेटा कि इन कंपाउंड के अंदर कार्बन के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, आपकी ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो वो कंपाउंड आपके क्या कहलाएंगे, हेटरोसाइक्लिक कहलाएंगे। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिन कंपाउंड के अंदर साइकिल को बनाने के लिए, यानी कि एक सर्कल को बनाने के लिए एक से अधिक एटम क्या हो जाए, अलग अलग एटम प्रेजेंट हो जाए, उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, हेटरोसाइक्लिक बोल देंगे। उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, उसे हेटरोसाइक्लिक बोल देंगे बेटा। क्लियर है या नहीं बेटा, तो हेटरोसाइक्लिक कौन सा होंगे बेटा, हेटरोसाइक्लिक आपके वो कंपाउंड होंगे जिन कंपाउंड के अंदर आपका कार्बन एटम के अलावा कोई और एटम भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे बेटा। तो इस यूनिट के अंदर हमने क्या किया बेटा, फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही पढ़ेंगे बेटा, ताकि हमारे जो बेसिक डेफिनेशन का जो कंसेप्ट है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए बेटा। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी बनेगी वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही इसके ऊपर कमांड कर चलेंगे बेटा, अपने IUPAC नेम पर कमांड कर चलेंगे बेटा। तो कल की जो वीडियो रहेगी बेटा, उसके अंदर हम एल्केन एल्काइन जो आपके ओपन चेन हाइड्रोकार्बन थे, इनके आपके जो साइक्लिक कंपाउंड थे, उनके अंदर क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे बेटा एल्केन एल्कीन और एल्काइन के अंदर। और हम कोशिश करेंगे बेटा एक कंपाउंड के IUPAC नेम को क्या करने की, कंप्लीट करने की। तो इस वीडियो के अंदर इतना बेटा, थैंक यू।